तो हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी एल्डोल रिएक्शन. ठीक है, तो एल्डोल रिएक्शन मतलब नाम से जैसे आपको आइडिया लग जाएगा एल्डिहाइड है या एल्डिहाइड है तो वहां पर कीटोन भी हो सकता है. ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन एक इनोल आयन के साथ और इनोलेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे. ठीक है, ठीक है. और ये जो है आपका, फिर आप इसको हीट करेंगे तो आपकी डिहाइड्रेशन की रिएक्शन होगी और इसे आप ये भी कह सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो आपका जो है अनसैचुरेटेड, आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनता है. ये जो इनोलेट आयन है इसको आप OH की प्रेजेंस में, मतलब डाइल्यूट NaOH या QOH की प्रेजेंस में बनाते हैं. ठीक है, तो आपका जो ये इनोलेट आयन है ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. जैसे मान लीजिए आपका CH3 एच है. ठीक, तो इसको आप CH2H भी लिख सकते हैं. इसकी जब आपने OH नेगेटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये वाटर निकाल लेता है इसमें से और ये CH2 आपका नेगेटिव और C डबल बॉन्ड हो H, ये आपका रेजोनेंस करता है यहां पर इस तरीके से. ठीक है, ठीक है. और एल्डोल रिएक्शन आपके वही कंपाउंड्स शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो आपके कैनिजारो रिएक्शन करते हैं. तो कैनिजारो और एल्डोल मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, तो वो लगवाते एक एक्सेप्शन भी है. ठीक है, ठीक है. जैसे आपका जो आइसो ब्यूटेल्डिहाइड है ये आपके, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है बट इट डज नॉट गिव एल्डोल रिएक्शन. ठीक है, ये जो है आपका कैनिजारो, इट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन. तो ये एक सिंपलेक्स एग्जांपल है एल्डोल रिएक्शन का. ठीक है ना, इसमें ये कंपाउंड एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड. ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं. ठीक है, ये इसकी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये डाइल्यूट OH के प्रेजेंस में ये यहां पर ऑक्सीजन पे चला जाता है. ठीक, और ये CH2 यहां जुड़ जाता है आपका. ठीक है, और ये आपका बीटा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है. इसको आपने हीट करा तो वाटर निकल जाता है, एलिमिनेशन की रिएक्शन भी हो जाती है. ठीक है, ये कंपाउंड बन जाता है. इसका नाम क्या होगा, इसका नाम प्रोटॉन एल्डिहाइड हो जाता है. इसमें सिस प्लस ट्रांस दोनों ही फॉर्म बनती है. ठीक है, तो आप लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करें. ठीक है, ये एसीटोन के साथ है, ये आपका NaOH है, यहां लिख दिया जाए डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट QOH. ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सेम टू सेम ही होना है कि आपका CH3 बॉन्ड जो OH आ जाएगा ये हाइड्रोजन आपकी यहां शिफ्ट कर जाएगी. ठीक है,
नेगेटिव आयन फिर यहां बॉन्ड बनाएगा, ठीक, ये आपका कंपाउंड एडिशन बनेगा। इसमें से फिर वाटर माइनस करा हीट करने पर सी एच थ्री सी डॉट बॉन्ड सी एच ये कंपाउंड बनता है। इसका कॉमन नेम है मैसिटाइल ऑक्साइड। तो ये भी एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल। तो अब जो है हम एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे ये है जी एस्टल्डिहाइड, ठीक, फर्स्ट स्टेप, ये आपका स्लो स्टेप है, ठीक, और ये ओ एच जो इसका वाटर ले लेता है, ठीक, ये ओ एच जो है ये आपका डबल बॉन्ड इस पर अटैक करा, ये OH ने इस पर अटैक कर दिया CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें मतलब कार्बन आयन जो है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बन आयन है ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है, इसको आप इनोलेट आयन कह देते हैं। ये आयन जो है इनोलेट आयन या ये कार्बन आयन ये आपका इस पर अटैक करता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा, फिर आपका ये वाटर से ले लेगा या आप हाइड्रोलिसिस कर लो H3O पॉजिटिव एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये आपका ये बन जाता है। और इसको आपने हीट करा वाटर निकल गया, ड्राई एचसीएल के साथ आप रिएक्शन कराते हैं एसीटोन की, तो आपका मैसिटाइल ऑक्साइड बनता है प्लस फोरोन दोनों ही बनते हैं, कुछ अमाउंट में फोरोन बनता है, ठीक है। तो कई बार ये रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं, तो इम्पोर्टेंट है काफी। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जो एसीटोन होता है आपका, उसमें से स्टीम वाटर के मॉलिक्यूल ये निकल जाते हैं, और ये आपका मेसिथिलीन बन रहा है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल में मतलब कि आपके पास एक एल्डिहाइड है, और एक कीटोन है, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट्स की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले आपने सोचना है OH की प्रेजेंस में, ठीक।
डिहाइड्रेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक। तो आपका एक तो दो तो क्रॉस बन सकते हैं कि भाई ये इसने ये कार्बोनाइल बनाया है, ये आपका एल्डिहाइड बने। दूसरा हो सकता है कि सेल्फ इसका एल्डिहाइड का हो जाए। तीसरा हो सकता है ये आपका जो है इसमें सेल्फ हो जाए। चौथा ये आपका कार्बोनाइल बनाए, ठीक है। तो ये चार पॉसिबिलिटी आपकी पॉसिबल है। बना लीजिए, ठीक है। वीडियो को यहीं पॉज करके तो फर्स्ट में आपका ये बनेगा, ठीक है। ये दोनों आपके ये क्रॉस है का एग्जांपल है, ये भी क्रॉस का एग्जांपल है, ये दोनों सेल्फ का एग्जांपल है, सेल्फ कंडेंसेशन का, ये दोनों भी सेल्फ कंडेंसेशन का। तो इसमें आपका इसका नाम आपने ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया, इसका डी रख दिया। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई चलो चारों प्रोडक्ट हमारे बन गए, दो क्रॉस के बन गए, दो सेल्फ के बन गए, टोटल चार प्रोडक्ट बन गए। अब इनमें परसेंटेज यील्ड का क्या हिसाब, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड जो है आपकी ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। उसका रीजन क्या है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज हीट। वो इस वजह से है कि देखिए आपका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो एल्डिहाइड में ज्यादा होता है, कीटोन्स में कम होता है, ठीक है। तो बेसिक करेक्टर जो इनोलेट आयन बनेगा वो इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो कीटोन्स जो है वो आपका कार्बोनाइल बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो कीटोन जब आपका कार्बोनाइल बनाएंगे तो आपका इनका कार्बोनाइल मोर स्टेबल होगा और एल्डिहाइड एक्सेप्टर के रूप में, तो ये आप लोगों के क्रॉस प्रोडक्ट्स आपने और सेल्फ प्रोडक्ट्स और टोटल प्रोडक्ट्स बताने हैं कि इन कॉम्बिनेशन में एल्डोल कंडेंसेशन में कितने पॉसिबल है, ठीक है। सेल्फ कंडेंसेशन है वो आपका ये है क्रॉस, तो इसमें आपके जो है दो टाइप के एल्डिहाइड्स है, तो दो सेल्फ बन जाएंगे, दो क्रॉस बन जाएंगे, टोटल चार। और इसमें दो टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये अल्फा, ये अल्फा डैश, ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक ही टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपके थ्री थ्री और ये सिक्स कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसमें आपका अल्फा डैश और ये अल्फा दो टाइप का हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें भी आपके दो टाइप के अल्फा और अल्फा डैश, ठीक है, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके चार सेल्फ, चार क्रॉस और टोटल एट प्रोडक्ट्स। एल्डोल रिएक्शन विद इन ए मॉलिक्यूल भी होती है यदि दो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आपका यहां पे दो हाइड्रोजन है अल्फा, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इनमें से ये वाले हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ठीक है। तो ये आपका कार्बोनाइल बनेगा। Thank you.
ठीक, क्योंकि ये जो है यहाँ पर आपका ये मोर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ये कार्बन आयन ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये जो है आपका इस पर अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये आपका इस तरीके से चेंज होगा। फिर ये वाटर आपका ले लेगा एचएनएस से, एमई माइनस एच टू हो जाएगा आपका, कंपाउंड का नाम क्या होगा सोचिए जरा, इसका नाम मैंने वन एसिटाइल टू मिथाइल साइक्लो पेंट वन ई। तो इस रिएक्शन में क्या होगा आपका, ठीक है, तो पहले आपका एक कार्बन आयन बनेगा, ठीक, ये इस पर आपका अटैक कर देगा, नेगेटिव वाटर से यह आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में माइनस एच टू हो जाएगा हीट करने पर, ये कंपाउंड आपका बन जाए। तो इसका आंसर वन है, क्योंकि पहले ही आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो डिस्कस करेंगे आप तो वाई ये होगा, ठीक है, दोनों ही सेम टाइप के वो है, तो आपका कार्बोनाइन बनेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, ठीक है, फाइन बॉल, ये बनेगा, इसमें से आप वाटर माइनस कर देंगे, तो ये एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए, जेई 2011 में आ चुका है, तो नहीं ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुके हैं, तो इसमें इसका जो आंसर है वो थ्री है, सी इज द ऑप्शन। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि आपका जैसे ये है सी एच सी एच ओ प्लस, पहले एक मॉलिक्यूल ये रिएक्शन करता है आपका CH2 OH और CH2 CHO, ठीक है, ये इसको अल्फा हाइड्रोजन देता है क्रॉस, आपका एल्डोल रिएक्शन होती है, उसके बाद यहां फिर और अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो आपकी फिर ये बनता प्रोडक्ट, फिर आपका फिर कंसंट्रेटेड
जो है इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप एल्डोल का है, सेकंड स्टेप एल्डोल का है और थर्ड स्टेप एल्डोल का। तो यहां पर क्या होता है आपके कैनिजान रिएक्शन, ठीक है। तो कैनिजानों में ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो एल्कोहल में कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में ले लेता है। तो इसलिए इसमें तीन एल्डोल के होते हैं और चौथा